गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे थे, उसको आगे करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जब एसिड और बेस को दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मीन्स ना तो वो एसिड रहता है न ही बेस रहता है, वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। तो वो कौन सी हो गई आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। मीन्स एक रिएक्शन एसिड और बेस के बीच की, वो कौन सी हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्या बनता है उसमें प्रोडक्ट, एसिड और बेस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एसिड और बेस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, मीन्स क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर इन दिस प्रोसेस विद द वॉल्यूशन ऑफ हीट, और काफ़ी मात्रा के अंदर क्या होती है, हीट निकलती है। जैसे एसिड प्लस बेस दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, साल्ट प्लस वाटर और प्लस हीट, काफ़ी मात्रा में हीट निकलती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है। जब दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, जो हम घरों में यूज करते हैं कॉमन साल्ट NaCl, क्या हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड। जो घरों में नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और प्लस वाटर। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaCl मिलके, मींस दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, साल्ट सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद में जो इनके अंदर एसिड और बेस के लिए जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंडिकेटर यूज किया जाता है वो जनरली फिनोफ्थलिन यूज किया जाता है। ठीक है, और फिनोफ्थलिन हमें पता है बेस के अंदर पिंक कलर देता है, ठीक है, और एसिड के अंदर कलरलेस रहता है। तो ए सिंथेटिक इंडिकेटर ऑफन यूज टेस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज फिनोफ्थलिन सॉल्यूशन। मींस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कौन सा यूज करते हैं, फिनोफ्थलिन सॉल्यूशन, इट इज पिंक इन कलर। अगर मान लो जैसे ये पिंक कलर है, इसका मतलब ये क्या है कि इसके अंदर बेस प्रजेंट है। ठीक है, अगर इसके अंदर बेस प्रजेंट है, फिर हमने इसके अंदर एसिड मिक्स कर दिया और एक दो ड्रॉप अगर हम फिनोफ्थलिन की डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब उनका जो है इफेक्ट है वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। देखो, व्हेन एन एसिड इज एडेड, जब एक एसिड ऐड करते हैं टू टर्न कलरलेस, तो ये पिंक कलर से कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, इंडिकेटिंग द प्रजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर एसिड प्रजेंट है। व्हेन ए बेस इज एडेड, और जब एक बेस ऐड करेंगे इट टर्न इट्स पिंक, और ये दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर के अंदर। ठीक है, दोबारा से किसके अंदर हो गया, पिंक कलर, तो इंडिकेटिंग द प्रजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रजेंस ऑफ एसिड। उसके बाद में है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ, मीन्स हमारी जो एवरीडे की लाइफ है उसके अंदर हम कुछ तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है इनडाइजेशन ट्रीटमेंट। इनडाइजेशन ट्रीटमेंट, जैसे मान लो आपने सुना होगा, आपका सेकंड लेसन था उसमें क्या था कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, डब फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्या काम करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में। लेकिन जब हमारे अगर स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, तो कई बार हम बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो गई, गैस बन गई, तो कई बार क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस्ड होना चाहिए उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और जिसके कारण से मीन्स हमें पेन होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें क्या कर, क्योंकि आपने पढ़ा एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं। तो इसके अगर हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ गई तो हमें क्या लेना चाहिए, भाई बेस लेना चाहिए, ताकि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करें, न्यूट्रलाइज कर दे। और उस बेस जो लिया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटासिड, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो, अवर स्टमक प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक काज इनडाइजेशन, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, स्टमक के अंदर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मीन्स हमें खाना जो है वो पचता नहीं है। टू रिलीव एसिडिटी वी टेक कॉल्ड एंटासिड, तो हम क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड, जिसको क्या बोला जाता है, एक बेस होता है। व्हेन विच न्यूट्रल द इफेक्ट ऑफ एसिड, जो क्या करता है, इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। क्या, तो क्या है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज एंटासिड। तो कौन सा यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो ये एंटासिड लिया जाता है ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल टू, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका घोल लेते हैं,
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली एंटेसिड, ठीक है, कॉमनली क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही क्या है, एंटेसिड, विच कंटेन, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg और OH हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, जो एसिडिटी होती है उसको कम कर देता है, क्योंकि एसिड के साथ बेस मिलेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है।